एवरीवन, माय नेम इज शिवान बसीन एंड वेलकम बैक टू द इन्वेस्टोलॉजी। सो गाइस, मार्केट में हम लोगों ने फ्राइडे को एक बहुत बड़ी गिरावट मार्केट के अंदर देखने को मिली एंड बहुत वेरियस फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली एंड कम से कम 3-4% तक की एक फॉल हम लोगों ने देखने को मिली है। सो अब करना क्या है इस फॉल के अंदर, क्या मार्केट दिसंबर में और ज्यादा नीचे जा सकती है? ओपन इंटरेस्ट डाटा दिसंबर का किस तरीके से डेवलप हो रहा है, जो अब दिसंबर 2nd of December को वीकली एक्सपायरी है उस पर किस तरीके से ट्रेड लेना है, सारी बातें होने वाली है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कशन नहीं करने वाले हैं कि किस रीजन से मार्केट के अंदर फॉल आया ये सारी चीजें, बट जो फैक्टर्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो मेन रीजन अभी तक हम लोगों को सामने देखने को मिल रहा है, दैट इज जो डेल्टा वेरिएंट जो एक नया आ चुका है यूके में एंड वो दोबारा यहाँ पर और ज्यादा आ सकता है। इसके अलावा क्रूड ऑयल के अंदर जो फॉल आई थी, इन सब चीजों को इग्नोर करके जो एक्चुअल फैक्टर्स हैं उसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो चलते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप पे। आज स्टॉक्स के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करने वाले हैं एंड बात करेंगे सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडिया विक्स, डॉलर इंडेक्स और इन सारे डाटास के। तो चलिए चलते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप की तरफ और देखते हैं कि एक्सपायरी किस तरीके से देखने को मिल सकती है। कल एक बार मंडे को मार्केट की ना ओपनिंग होने देते हैं, चेक करते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। थोड़ा मोड़ा पुल बैक हम लोगों को देखने को मिलेगा एंड आफ्टर डैट हम लोग एक सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट दोबारा कर सकते हैं। सो तब लाइव मार्केट पर मैं आपको कुछ स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सजेस्ट करूंगा। अभी स्विंग ट्रेडिंग को इग्नोर कर रहे हैं एक दो दिन के लिए, जब तक मार्केट एक क्लियर डायरेक्शन हम लोगों को प्रोवाइड नहीं करवाती है। सो चलिए चलते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप पे और निफ्टी के चार्ट से स्टार्ट। सो गाइस, निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन कर दिया है, अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम के अंदर हैं एंड चलिए यहाँ पर एक स्टडी करते हैं और देखते हैं कि मार्केट के अंदर और कितनी फॉल आ सकती है या फिर मार्केट यहाँ से रिकवर कर सकती है और हमें अपनी स्ट्रैटेजी किस तरीके से इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स और फैक्ट्स के बेसिस पे काम करेंगे एंड देखते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन किधर रह सकती है। उसी डायरेक्शन पे हम लोगों को ना एक अपनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी चाहिए और उसी डायरेक्शन पे ज़्यादा प्रॉफिट्स मिलने के चांसेस हैं, वो हम लोग कैप्चर कर पाए वो अच्छी बात होगी। तो चलिए अपने पहले सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं, बॉटम से लेते हैं, यहाँ पर हम लोग अपने एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। यस, तो सबसे पहले हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करी है और ये सारे सपोर्ट्स को कनेक्ट करते हुए लाइन थी। हमने इस ट्रेंड लाइन को देखा था, इसने सपोर्ट को ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद इट गेव अ वेरी गुड रीटेस्ट। रीटेस्ट करने के बाद हम लोगों ने एक दोबारा आज गैप डाउन ओपनिंग देखी थी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन पे और अपने इस लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को, इस लॉन्ग टर्म सपोर्ट को इसने ब्रेक डाउन कर दिया था। अब बात करते हैं सबसे पहले कि सपोर्ट कहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि जनरली जब ये ऊपर जाता था तो एक रेंज के अंदर था और ब्रेकआउट आता था तो ये जनरली हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता था, बट ये जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा दूर है। इसके अलावा मार्केट एक ट्रेंडिंग मार्केट थी तो ज़्यादातर हमें कहीं सपोर्ट्स देखने को मिले नहीं, कुछ यहाँ सपोर्ट्स थे जो कि ब्रेक हो चुके हैं। लेट मी शो यू, ये कुछ सपोर्ट लेवल्स थे जो कि ब्रेक हो चुके हैं और उसके नीचे मार्केट जा चुकी है। अब ये जो पूरी रेंज बनी हुई है ना 17,000 से 16,000 के बीच में, वहां पर कहीं ज्यादा खास सपोर्ट देखने को मिल नहीं रहा। एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है जो कि 16,500 या 600 के आसपास देखने को मिल रहा है, वहां तक मार्केट तो डेफिनेटली जा सकते हैं बिकॉज उससे पहले कहीं पर भी एक हमें सपोर्ट नहीं है, तो क्लियर मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड रह सकता है। दूसरी चीज, अभी क्या होता है जनरली अगर हम लोग बात करें, अभी तो एक गैप डाउन दे चुका है, मतलब एक ब्रेक डाउन एक सपोर्ट का दे चुका है। अब ब्रेकडाउन अगर ये सपोर्ट का दे चुका है तो अगर कल के ट्रेडिंग सेशन पे ये कैंडल एक बुलिश बनाता है और ये रेड कलर की लाइन जो है 17,280 रुपीस अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है कल के ट्रेडिंग सेशन पे या फिर ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन पे और अपने इस लो के नीचे नहीं जाता, आप समझ रहे हैं, अगर अपने इस लो के नीचे नहीं जाता और हम लोग देखते हैं कि इसके ऊपर चले जाता और 17,280 के ऊपर क्लोज कर देता तो डेफिनेटली यहाँ पर हम लोग एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर एक दोबारा बुलिश मोमेंटम आ सकता है फॉर अ शॉर्टर टाइम पीरियड और मार्केट ऊपर जा सकती है। दूसरी चीज, दूसरे सिनेरियो क्या हो सकता है, पहले सिनेरियो की तो बात कर ली, कल मार्केट गैप डाउन खुले, कल मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलते ही एग्जैक्टली उसी लेवल से हम लोग एक रिकवरी देखते हैं। रिकवरी देखने के बाद ये जो एक बहुत बियरिश कैंडल हम लोगों को देखने को मिली है इसका हम लोग फिबोनाची ले लेते हैं एंड फिबोनाची के हिसाब से अगर मार्केट इस रेंज के अंदर क्लोज करती है, ठीक है ये रेंज में बना देता हूं, अगर इस रेंज के अंदर मार्केट क्लोज करती है, गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन ओपन होने के बाद स्ट्रेट वहां से एक अपमूव आ रही है और अपमूव होने के बाद कैंडल अगर इस रेंज के अंदर क्लोज कर देती है या फिर इसके ऊपर क्लोज कर देती है तो भी हम लोग ट्यूजडे के ट्रेडिंग के सेशन पे एक बाय मोमेंटम लेकर चल सकते हैं बिकॉज ये एक बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होगा और तब हम लोग एक्ज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट एक ऊपर की तरफ जा सकती है बिकॉज जो गैप डाउन हुए थे वहां पर
बायर्स इतने ज्यादा एग्रेसिव हो गए थे कि उसने स्टॉक को, इंडेक्स को इतना ज्यादा पुश कर दिया कि जो प्रीवियस एक हैवी फॉल थे, उस प्रीवियस हैवी फॉल के 50% के ऊपर जाके उसने अपनी क्लोजिंग दी है। तो इसके ऊपर क्लोजिंग अगर हो जाती है तो डेफिनेटली मार्केट में ट्यूजडे के ट्रेडिंग सेशन पे एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। हम बात कर रहे हैं जनरली ट्यूजडे की, बिकॉज मंडे को हम लोगों को ऑब्जर्व करना है कि मार्केट का बिहेवियर किस तरीके से काम कर सकता है। दो दिन की छुट्टी थी और दो दिन में भी बहुत कुछ आया है मार्केट के अंदर, तो डेफिनेटली हम लोगों को पहले देखना है कि मार्केट मंडे के ट्रेडिंग सेशन पे किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, सो कल के ट्रेडिंग सेशन पे आराम से पहले मार्केट को वॉच करिए और चेक करिए कि मार्केट की डायरेक्शन किधर जा रही है। अब आते हैं दूसरी चीज में, यहां पर हम लोगों ने ट्रेंड लाइंस को यूज कर लिया। अब हमने अभी बात करी कि इस लेवल से एक अपमूव आना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक फिबोनाची बनाते हैं इस लेवल से टॉप तक। तो अगर मैं टॉप का फिबोनाची बना रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ एग्जैक्टली इसने पूरी रैली के 50% पे आके अपनी क्लोजिंग करी है। मतलब इस पूरी रैली का 50% तक फॉल आ चुका है निफ्टी के अंदर और एग्जैक्टली उस लेवल पे क्लोजिंग करी है। अब होता क्या है, अगर कल गैप डाउन होता है और हम लोग देखते हैं वो दोबारा नीचे जा रहा होता है, 15 मिनट तक वो नीचे जा रहा है, ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा, सो डेफिनेटली जो हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा, दैट नेक्स्ट टारगेट शुड बी एट दिस लेवल जो अभी मैंने आपको बताया, एक 16,760 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये 61.8% है, तो हम यहाँ तक का फॉल एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब और 300 पॉइंट की गिरावट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर हम लोगों ने ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर ली हैं, अगर ये 61.80% पे हॉल्ट करता है तो यहाँ पर एक छोटा सा हम लोग एक एज अ इंट्राडे या फिर एज अ BTST एक बाय पोजीशन भी बना के चल सकते हैं, बिकॉज ये एक रिवर्सल रिट्रेसमेंट होता है और यहाँ पर एक गोल्डन रिट्रेसमेंट रेशियो है, तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉसिबल रिवर्सल आ सकता है। एक दिन का होगा, 3 घंटे का होगा, बट वो एक पॉसिबल रिवर्सल आ सकता है, तो यहाँ पर एक छोटा इंट्राडे ट्रेड ऑन अ बाय सेटअप ले सकते हैं। बट अभी मैंने आपको बोला हमारी फर्स्ट दो पॉसिबिलिटीज सही होती है, मतलब अगर कल के दिन ऊपर चले जाते हैं और इसके ऊपर क्लोजिंग दे जाती है, या फिर दूसरा सिनेरियो 50% के ऊपर जाके क्लोजिंग दे देती है, बट उसके लिए गैप डाउन होना चाहिए दूसरे सिनेरियो के लिए। तो क्या करेंगे हम लोग, ट्यूसडे के ट्रेडिंग स्टेशन पे ना एक बाय सेटअप लेकर जाएंगे, बट वहां पर हम लोग अर्ली एग्जिट कर लेंगे। मेरे हिसाब से हम मान के चलते हैं कि शुरुआत के आधा घंटा जब ट्यूसडे को मार्केट ओपन होगी तो वो एक बेयरिश सेंटीमेंट या वॉलेटिलिटी का सेंटीमेंट रहेगा, बट आधे घंटे के बाद जैसी मार्केट पॉजिटिव आएगी और एक अपट्रेंड दिखाना स्टार्ट करेगी, हम लोग 12:30 तक अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेंगे, बिकॉज वहां पर मार्केट का ट्रेंड बिल्कुल रिमेन रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। अगर अपट्रेंड की तरफ जाती है तो 12:30-1 बजे तक मार्केट एग्जैक्टली वैसा रहेगा, उसके बाद अगर मार्केट एक्चुअल में वीक है तो वो टर्न अराउंड दोबारा होना स्टार्ट हो जाएगा। ये पहले भी हो चुका है और अभी भी ये सिनेरियो दोबारा कंटिन्यू रह सकता है। हम लोगों ने बहुत इनको बैक टेस्ट करा तो हम लोगों को ये 5 रीजंस 3 रीजंस देखने को मिले कि इसके बेसिस पे पूरी मार्केट काम कर सकती है। ठीक है, सो करना क्या, कल अगर नीचे गैप डाउन खुलती है और 15 मिनट के नीचे कैंडल क्लोज होती है तो डेफिनेटली इसका शॉर्ट पोजीशन ये हमारे टारगेट्स हैं। अदर देन दैट, अगर गैप डाउन खुलती है और ऊपर कंटिन्यू करना स्टार्ट करती है, कल कोई ट्रेड नहीं लेना, हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है। दूसरी चीज, पहला वाला सिनेरियो कि मार्केट कंटिन्यूस बेसिस पे ऊपर ही जा रही है और उसके ऊपर क्लोज कर जाए तो भी हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है, बाय नहीं करना, हमें ट्यूसडे में एक्चुअल में ट्रेड लेना है और बाय सेटअप और ऑन अ शॉर्ट सेटअप। मंडे को हम शॉर्ट कर सकते हैं, बट अगर 15 मिनट की कैंडल इस लो के नीचे, इस फ्राइडे के सेशन के लो के नीचे क्लोज होती है, ठीक है, तो ये हमारा ट्रेड है। अब यहाँ पर अगर हम लोग जर्नली ऑब्जर्व करेंगे, मैं इन सारी ड्रॉइंग्स को हटा देता हूँ, तो यहाँ पर मैं एक चीज देखने को मिल रही है कि इसने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न टॉप पे क्रिएट करा था एंड इसका ब्रेकडाउन हम लोगों को देखने को मिला था। अब ब्रेकडाउन की मैं बात करूँ तो मोस्ट प्रोबेबली इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है दैट शुड बी अराउंड दिस, ये टारगेट है, एंड लेट्स सी कि इसने अपने टारगेट को फुलफिल कर लिया है। टारगेट को फुलफिल करने के बाद उसके भी नीचे जाके ट्रेड कर रहा है, सो आई पर्सनली थिंक कि इसका टारगेट ऑटोमेटिकली आ चुका है। अब दूसरी चीज, ये लेवल क्या स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज अभी हम लोगों ने 50 फिबोनाची रिट्रेसमेंट में देखा 50% पे कि एग्जैक्टली उस लेवल पे हॉल्ट करा है, तो हमारे दो सिनेरियो उल्टा बाय सेटअप के लिए, ठीक है, तो क्या ये लेवल और स्ट्रॉन्ग है, इसको चेक करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंट फॉल आया, फॉल आने के बाद एक अपमूव दी, एक पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद एक कंटिन्यूस फॉल आया। सो अगर मैं इस पुल बैक पे ट्रेड लूँ, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेड सेटअप ढूंढता हूँ, तो मेरे को पता चलता है कि एक बियरिश फ्लैग पैटर्न क्रिएट हुआ, उसका एक फॉल आया। अब अकॉर्डिंग टू फिबोनाची एक्सटेंशन, नॉट रिट्रेसमेंट, अकॉर्डिंग टू फिबोनाची एक्सटेंशन, अगर हम इसके टारगेट्स फाइंड करने की कोशिश करें बियरिश फ्लैग के, तो दैट इज द टॉप, ये बॉटम है और फिबोनाची एक्सटेंशन हमने ड्रॉ करा। एग्जैक्टली जो यहाँ पर पॉज लिया है इस पर्टिकुलर इंडेक्स ने, ये 1.618% रिट्रेसमेंट लेवल पर लिया है। सो यानी कि ये एक रिवर्सल सिग्नेचर होता है, एक रिवर्सल पैटर्न होता है कि यहाँ से स्टॉक या इंडेक्स रिवर्स कर देता है जब बियरिश पैटर्न, फ्लैग पैटर्न का टारगेट अचीव होता है।
सो मेरे हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है 16,980 रुपीज का। जब तक ये हॉल्ट कर रहा है, जब तक ये रुका हुआ इस लेवल के ऊपर, तब तक एक बाइंग मोमेंटम आ सकता है या फिर एक बाइंग प्रेशर दोबारा जनरेट हो सकता है। अगर ये 15 मिनट की कैंडल के साथ ब्रेक हो जाता है या फिर कल एक गैप डाउन के बाद रिकवरी नहीं आती है, तो डेफिनेटली वहां पर एक शॉर्ट पोजीशन करना है और हमारे टारगेट्स होंगे 17,600 रुपीज के। ठीक है, सो अभी तक जो ऑब्जर्वेशन निकल के आ रही है वो इस तरीके से निकल के आ रही है और मार्केट इस तरीके से ही काम कर सकती है। दूसरी चीज, एक पैटर्न और बन सकता है ए बी इक्वल्स टू सी डी पैटर्न। ये जो फॉल था और ये जो फॉल था, ये अगर सिमिलर होंगे तो भी ये पॉइंट एक रिवर्सल बन सकता है। सो ये टॉप है एंड दिस इज द बॉटम, और ये टॉप था एंड दिस इज द बॉटम। ये देख रहे हैं इस लेवल से एक रिवर्सल आया था बट दोबारा गिरावट आ गई। अगर ए बी इक्वल्स टू सी डी पैटर्न का एक रिवर्सल देखने को मिलते हैं तो इसका जो ये वाला पॉइंट है टॉप पॉइंट, एग्जैक्टली ये वाले पॉइंट तक मार्केट जाती है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ और एक गिरावट आई, तो यानी कि थोड़े बहुत इंडिकेशन हमें देखने को मिल रहे हैं कि मार्केट बियरिश भी है और थोड़े बहुत इंडिकेशन दिखा रहे हैं कि मार्केट अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है जहां से मार्केट एक टर्न अराउंड कर सकती है फॉर अ शॉर्टर टाइम पीरियड। बट ये नहीं है कि वो टर्न अराउंड ऐसा होगा कि अपने प्रीवियस हाइस तक मार्केट टेस्ट कर सकती है। इस बात को याद रखना, हमें सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी अब देखने को मिल रही है और उसके बाद हम लोगों को बढ़िया ट्रेड्स लेने हैं। अब आते हैं थोड़े बहुत फैक्ट्स एंड फिगर्स पे। फैक्ट्स एंड फिगर्स के लिए मैं यूज कर रहा हूँ सबसे पहले एक इंडिकेटर, जैसे हम यूज बोलते हैं इंडिया विक्स। इंडिया विक्स पे अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 25% का हम लोगों को अपमूव देखने को मिली है इंडिया विक्स के अंदर। अब आपके माइंड में आ रही होगी यार 25% जो इंडिया विक्स भागता है वो तो हर दिन भागता है, हर दिन 50% भी हर दिन भाग चुका है। बट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे जब भी इंडिया विक्स भागता है तो आप विक्स देख रहे हैं, विक्स कितनी ज्यादा होती है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसे विक्स ही ऊपर ऊपर जाई जाती है और कैंडल्स होती नहीं है। अब देखोगे यहाँ पर इतनी बड़ी विक्स और उसके बाद कैंडल, फिर इतनी बड़ी विक। अब आप आज वाले सिनेरियो को अगर चेक करेंगे तो विक बहुत छोटी थी अपने बॉटम पे और कंटिन्यूस बेसिस पे ऊपर जाते रहे ना, कंटिन्यूस बेसिस पे, और आखिरी में छोटा सा एक रिकवरी देखने को मिली है। सो अब आप एक चीज और चेक करेगा, मैं आप लोगों को पास्ट फ्यू डेज से बता रहा हूँ कि अगर इंडिया विक्स 21 के ऊपर चली जाती है तो वहां पर फिर मार्केट का स्ट्रक्चर पूरा बदल सकता है। क्यों? क्योंकि पास्ट में ऐसा हो चुका है। आप चेक करेंगे जैसे ये 21 के ऊपर निकली थी और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हम लोगों ने इंडिया विक्स के अंदर देखने को मिली थी, मार्केट ऑलमोस्ट इंडिया विक्स 21 से लेके 86 रुपीज तक आ गई थी। और ये सिनेरियो कब है? ये सिनेरियो था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 मार्च 2020, जब मार्केट के अंदर एक बड़ा करेक्शन आया था 14,000 के लेवल से 7,500 रुपए के लेवल पे आ गई थी। जब इंडिया विक्स 86 पे था हमारी मार्केट ट्रेड कर रही थी 7,600 रुपीज में गाइस, इतना बड़ा करेक्शन जो 40% का हमें देखने को मिला था। और जब ये रिवर्सल हुआ हमारी मार्केट ने रिवर्सल भी करना स्टार्ट कर दिया। सो अगर इंडिया विक्स बढ़ रहा है तो निफ्टी हम जनरली देखते हैं कि गिरती है। सो इस बात को याद रखना कि अगर इंडिया विक्स कल भी बढ़ना स्टार्ट करता है या दो दिन मंडे या ट्यूजडे के ट्रेडिंग सेशन पे ये रेड कलर की लाइन के ऊपर ही हॉल्ट करता है, इस रेड कलर की लाइन के ऊपर हॉल्ट करता है, मतलब 20 रुपए के नीचे अगर इंडिया विक्स नहीं जाता और हॉल्ट करता है, तो इस बात को समझ लेना कि एक दोबारा बड़ी गिरावट आने वाली है और इंडिया विक्स अप्रोच करने वाला है। तो ये थोड़े बहुत फैक्टर्स हैं जिसको आपको डेफिनेटली समझना पड़ेगा और यही हमारी मार्केट को अभी इनिशिएट कर सकती है। दूसरा बड़ा फैक्टर है जो मुझे लग रहा है कि मार्केट में और करेक्शन आ सकती है, वो क्या है? DXY, यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स। यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स भी ऑलरेडी मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ। आप देख सकते हैं कि इसने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट दिया और ना कंटिन्यूस बेसिस ऊपर जा रहा है। ये जनरली हुआ था एग्जैक्टली एट दिस लेवल पे। ये भी 2 मार्च को स्टार्ट हुई थी, इसके अंदर रैली ये 94 रुपीज के ऊपर जाने से ट्रेड करा था, पर जैसे ही 96 रुपीज के ऊपर गया वहां से ऑलमोस्ट इसने हाई लगाया 102 का। और आप देख सकते हैं इंडिया विक्स 21 से 86 पहुंची और डॉलर इंडेक्स 96 से 102 पहुंची। जब ये दोनों ऊपर गए हमारी मार्केट 40% क्रैश कर गई थी। सेम सिनेरियो दोबारा हो रहा है कि इस रेंज के ऊपर दोबारा आ चुकी है इंडिया विक्स और इसके ऊपर ट्रेड कर रही है, तो डेफिनेटली हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये 96-97 के ऊपर जाना स्टार्ट करती है तो हमारी मार्केट के अंदर एक हेवी करेक्शन आ सकता है। अब ये हेवी करेक्शन दिसंबर को भी हो सकता है, जनवरी को भी हो सकता है, बजट वाले टाइम पे भी हो सकता है। हम लोगों ने जनरली ये देखा है ना कि बजट वाले टाइम तक तो मार्केट बढ़ती है, बट जैसे ही बजट आता है एक करेक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। पिछले साल हर साल हम लोग जनरली यही फॉलो कर रहे हैं। तो इस बात को भी आपको याद रखना कि मार्केट अभी थोड़ा सा टर्न अराउंड ले सकती है, एक बुलिश मोमेंटम दिखा सकती है, बट इस बात को याद रखना कि वो अपने प्रीवियस पीक तक अब मार्केट पहुंच नहीं सकती। बिकॉज आपके माइंड में बात आ रही होगी ना जनरली कि जब मार्केट ऊपर बढ़ती है तो सारी पॉजिटिव न्यूज मार्केट के अंदर देखने को मिलती है। जैसे ही मार्केट एक बियरिश कैंडल बनाती है हर जगह न्यूज चैनल, हर जगह यूट्यूब पे आ जाता है कि अब मार्केट के अंदर ये आ गया, ये कंट्री ने ये कर दिया या फिर
यहाँ पर हम लोग रिसेशन देख रहे हैं, इस कंट्री ने फ्रॉड कर दिया, इस कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया, ये इंडिकेटर हमें बता रहा है शॉर्ट करो, क्रैश आ रहा है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे जब ये थोड़े बहुत इंडिकेटर्स आने वाले स्टार्ट हो जाते हैं ना, जब मार्केट के अंदर और इकोनॉमी के अंदर ये फैक्टर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो मार्केट एक टॉप बनाती है, मार्केट ऊपर रिवर्सल करेगी, क्योंकि ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं ना, ये सारी न्यूज आप लोगों के माइंड में आती है, आप लोग सुनते हो और आप लोग ये डिसाइड करते हो कि अब मार्केट को शॉर्ट करने का टाइम है। बट वहां से ही मार्केट टर्न अराउंड लेती है, और वो टर्न अराउंड लेते ही आपके जब सारे स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं, तब मार्केट वहां से दोबारा रिवर्सल करती है और नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करती है। सो इस बात को याद रहना, एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर हुआ था जब हम लोगों का बजट आया था, एंड बजट के बाद जब कोविड आ गया था, तो एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर फॉलो हुआ था, और पिछले साल भी बजट के टाइम पे एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर फॉलो हुआ था। तो इस बात को याद रखना, तो मार्केट में एक टर्न अराउंड आ सकता है। इसके अलावा क्रिप्टो का बिल आने वाला है बजट पे, तो अब आपको पता है कि और बहुत सारे इंडियन ट्रेडर्स हैं, जो बहुत सारे इंडियन हैं वो भी अब क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी एक छोटा इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर एक निगेटिव चीज़ आती है क्रिप्टो से रिलेटेड भी, बिकॉज बहुत सारी गवर्नमेंट है इंडिया के बाहर कंट्रीज की, वो भी एक्सेप्ट कर रही है क्रिप्टो को, तो हमारी मार्केट अगर हमारी कंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगी तो उसके लिए भी और पैनिक सिचुएशन हो सकती है। प्लस कोविड राइज हो रहा है, तो दोबारा वो सिनेरियो रिपीट हो सकता है जो हम लोगों ने 2020 पे देखने को मिला था, इस बात को याद रखना, ठीक है। सो चलिए, आई थिंक दैट्स इट, और एक बार बैंक निफ्टी को चेक कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी का सिनेरियो क्या है, इसके बाद ओपन इंटरेस्ट की तरफ एक बार चलते हैं एंड चेक करते हैं कि क्या सिनेरियो देखने को। बैंक निफ्टी पे अगर हम लोग चेक करें तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, अकॉर्डिंग टू निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। सबसे पहला अगर सपोर्ट जो ब्रेक हुआ था वो लेवल ये था, ठीक है, ये लेवल ब्रेक हुआ था एग्जैक्टली इस लेवल पे, फिर रीटेस्ट करा एंड एक फॉल आया, सेम गोज विद निफ्टी, जैसे निफ्टी के अंदर हुआ था। अब इसके अलावा जो एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो एग्जैक्टली एट दिस लेवल पे देखने को मिल रहा है। अब देख रहे हैं ये पहले इसके लिए एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड ब्रेकआउट इट एक्टेड एज अ सपोर्ट और एक रैली दोबारा स्टार्ट हुई। तो अब ये एक एक्ट कर सकता है एज अ रेजिस्टेंस, अगर हम लोग एक फिबोनाची ड्रॉ करते हैं फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल। सो हम लोगों को पता चल रहा है कि 78% तक की एक करेक्शन देखने को मिल सकती है, यानी कि 35,759 रुपीज़ का एक फॉल हम लोग मान के चल सकते हैं कि बैंक निफ्टी दिखा सकता है। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा इसे और ऊपर ले जाऊं तो हम देख सकते हैं कि एग्जैक्टली वही लेवल 88% का भी देखने को मिल रहा है। सो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है, बट निफ्टी ज़्यादा वीक है, बिकॉज निफ्टी में हम लोगों ने बहुत पैटर्न्स के ब्रेकडाउन देखने को मिले और एग्जैक्टली अपने सपोर्ट लेवल पे है, क्योंकि अगर वो सपोर्ट लेवल गाइस ब्रेक हुआ तो मार्केट और ज्यादा डाउन ट्रेंड में जा सकते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू, मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। तीन सिनेरियो मैंने आपको कल के ट्रेडिंग सेशन और ट्यूजडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए बता दिए हैं। कोई स्टॉक्स पे ट्रेड मत करना, कोई इंट्राडे ट्रेड मिल रहा है मतलब आधे घंटे का ट्रेड या 3-4 पॉइंट की रैली मिल रही है स्टॉक्स के अंदर, तो उस पर आप लोग ट्रेड ले सकते हो। अदर देन दैट आप लोग मंडे को कोई भी ट्रेड नहीं करना, सिर्फ ऑब्जर्व करना मार्केट को कि किस तरीके से रिएक्ट कर रही है स्टार्टिंग के टाइम पे, इन बिटवीन और एंड के टाइम पे किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, एंड उसके बेसिस पे हम अपना डिसीजन ले सकते हैं 3 बजे के आसपास कि हमें ट्यूजडे पे कौन सा बाय या सेल का ट्रेड लेकर चलना है, ठीक है। इसके अलावा मैं मंडे को 3:10 पे आप लोगों को एज अ BTST ट्रेड्स या STBT कोई ट्रेड्स देने वाला हूँ कि निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर कोई ऑप्शंस प्रोवाइड करवाऊंगा, तो उसके बेसिस पे भी आप लोग काम कर सकते हैं। सो प्लीज डू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, वहाँ पर आप लोगों को कल मार्केट पे अपडेट्स बहुत सारे मिलने वाले हैं। इसके अलावा हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करिएगा, बिकॉज वहाँ पर भी हम लोग कुछ इस तरीके के स्टॉक्स बता रहे हैं मार्केट पे अगर क्रैश आता है या करेक्शन भी आता है तो कौन से आप प्रूफ स्टॉक्स को ले सकते हैं। अदर देन दैट कौन से स्टॉक्स को नहीं लेना, अगर आपके वो पोर्टफोलियो पे उन्हें एग्जिट कर लो कि मार्केट अगर गिरती है तो वो सबसे ज़्यादा गिर सकते हैं, उन प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, क्योंकि वहाँ पर आपको और एजुकेशनल कंटेंट भी देखने को मिलेगा। सो चलिए, आई थिंक वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी किस तरीके से रिएक्ट करना है, किस तरीके से आपको काम करना है। कल मिलते हैं मार्केट के अंदर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।